कितना सारा खाना पड़ा है इसका। ये रहा एक ये थैला है, एक ये थैला है, एक ये थैला है। ये इसने नखरे के साथ खाया और ये इसके पत्ते जो थे इसने गिरा दिए। और ये देखो बैड बॉय, बैड बॉय, मारू 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 मारू, एक बहुत बुरी बात है। और कल इसकी कुर्बानी हो जानी है। तुमने खाना नहीं खाना, बहुत बुरी बात हो गई। बहुत तुम्हें वार्निंग दी थी, तुमने नहीं खाया। स्लैप 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 स्लैप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्टाइल डाइवर्स टू। जनाब कल है ईद उल अज़हा और बहुत ज़ोरों शोर से तैयारी है। मेरे तो अपने इर्द गिर्द ही देखना है ना, तो फैल्कन कॉम्प्लेक्स में ये बहुत ज़बरदस्त टेंट बनाया गया है जानवरों के लिए और बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा गया है। आप यहाँ पर थोड़े से बहुत हमसे रेट्स लिए गए हैं जानवर रखने के, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। देखें हर वक्त अटेंडेंट मौजूद हैं और बिल्कुल भी कोई गंद कचरा नहीं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल है। और अब तो हमारे पास यहाँ पे कैमल्स भी आ चुके हैं। जी हाँ, देखिए कैसे कैसे खूबसूरत जानवर हैं। और एक एक्टिविटी है, एक माहौल है पूरे फैल्कन कॉम्प्लेक्स में और एवरीवन इज़ सो हैप्पी और बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं कुर्बानी के लिए, अल्लाह की राह में देने के लिए। रात में भी यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है और मेरा ख्याल है मिडनाइट से भी ज़्यादा टाइम तक तो बच्चे यहाँ पे मौजूद ही रहते हैं। बच्चे क्या बड़े क्या, यहाँ पे रौनक का समय है। और अक्सर मैंने बच्चों से पूछा आपका कौन सा जानवर है, आपका कौन सा जानवर है, तो मोस्टली बच्चे वो थे कि जो सिर्फ देखने आए थे और उनके जानवर उनके घर में बंधा हुआ था लेकिन यहाँ पर देखने के लिए आए थे। वी हैव एक्सेस फूड फॉर द बकरा, तो कल तो इंशाल्लाह ताला कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, आपको अपने कम्युनिटी सेंटर की सैर भी करवाएं कि वहाँ पे बकरे और बैल और सुना ऊँट भी आया हुआ है, उनको किस तरह माहौल में रखा हुआ है और ये उनको देख भी आए। भाई साहब की ओर आए थे। भाई साहब क्या हाल है आपके? ब्यूटीफुल। जंगली है, जंगली है, जंगली होते हैं। कितने ब्यूटीफुल है यार। हाँ, लशेस प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत जानवर है। लव द ज्वेलरी। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, इतनी बहुत कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है बैठना चाह रहा है। ये कितने छोटे से प्लांट से बांधा हुआ है, इससे क्या इसका वो होगा? नहीं तो वो उनकी मिथ में होता है ना कि बस बंदे में। कितना प्यारा लग रहा है, थोड़े से डियर लग रहे है। हेलो हेलो, okay, another friend of mine. Hello, how are you? Hello. यहाँ पे डिनर हो रहा है। खुली हुई है? नहीं। तो जनाब यहाँ की हमने सैर भी की और आपको भी कराई, और जो हमारे पास एक्सेस फूड था अपने बकरे का, अपने जाज़िब प्यारे का, तो वो मैंने यहाँ पे गार्ड को ही दे दिया कि आप किसी को दे दीजिएगा, किसी बकरे को दे दिएगा, मेरे मैं क्या दूँ। ठीक हो गया। और घर आके मैंने सबसे पहले बनाया मीठा। मीठे में मैंने बच्चों की फरमाइश पर बनाई कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल जैसा,
और एग्जॉस्ट फैन और दूसरी मशीनरी की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ों की वजह से मुझे दोबारा यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर जो है दूध लिया, और क्योंकि ज़्यादा दूध ही ठीक रहता है, 2 लीटर तो लग ही जाता है ना, 1.5 लीटर में तो हम उसमें कस्टर्ड मिक्स करेंगे। मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना होगा कस्टर्ड, क्योंकि मैंने एक बॉल जो है वो भाई की तरफ भेजना है, क्योंकि मेरी छोटी भतीजी हानिया को बहुत पसंद है स्वीट और डिज़र्ट्स और कस्टर्ड्स, सो मैंने कहा चले एक बॉल उनको उनके लिए बनाते हैं। नानी अम्मी अल्लाह मरहूम, अल्लाह ताला उन तमाम मरहूमीन के जो है मगफरत फरमाए, वो कहा करती थी कि मुझे जो है ना दूध की राखी पे छोड़ देना कि ये बुबल रहा है, तुमने यहाँ से हिलना नहीं है, और वो उनका कहना होता था कि फ़ौरन उबलेगा और बिल्कुल जो है पेंदे से बाहर निकलेगा, ये सीन नहीं होना चाहिए, इसलिए तुमने पूरी निगाह रखनी है दूध पे। तो मैं जो हूँ जनाब स्टिल हो जाती थी और बस दूध पे पूरी निगाह रखती थी, और तब से वो आज का दिन है कि जब भी दूध बॉयल हो रहा हो तो मैं अपनी जगह नहीं छोड़ती, वहीं पर खड़ी रहती हूँ कि ये उबल ना जाए, और उसी वक्त जो है नानी अम्मी की याद आ जाती है और उनके लिए दुआ मगफरत भी दिल से निकलती है। तो देखें जी, दूध बॉयल हो चुका है और इसमें तकरीबन मैंने 1/2 कप के करीब जो है शुगर ऐड की है। जो डब्बे के दूध होते हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी मिकदार में जो है शुगर एडिड होती है, तो कोशिश करें कि कम से कम इनटेक रखें शुगर का, और अगर आपने जेली वगैरह ऐड करनी है फिर तो बहुत ही कम रखिए। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें जितने भी उनके स्वीट डिज़र्ट्स वगैरह बनते हैं तो ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन जर्मनी में जितने भी डिज़र्ट्स बनते हैं उसमें बहुत कम मिकदार में, जी हाँ बहुत कम मिकदार में शुगर होती है, सो जर्मन पीपल जो है वो लेस शुगर का इनटेक रखते हैं। दैट्स वाई मैंने भी कम रखा, क्योंकि जर्मन बच्चों ने खाना था। ले जनाब, अब मैंने इसमें ये कस्टर्ड ऐड किया और साथ साथ चम्मच चलाती रही हूँ। कोशिश करें कि जब कस्टर्ड थिक हो भी जाए तब भी आप उसमें जो है चम्मच चलाते रहें, हल्का सा उसे पका लें ताकि कच्चापन ना फील हो और एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो। मुझे कंसिस्टेंसी जो है वो थिक चाहिए, बिल्कुल पतला मैंने कस्टर्ड नहीं बनाना, थिक कंसिस्टेंसी का चाहिए, तो दैट्स वाई बर्नर बिल्कुल लो फ्लेम पे है और मैं इसको कुक कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इस टाइम में इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना देन वेल एंड गुड, नहीं तो गार्निशिंग में ऐड कर सकते हैं। मेरा काम है इसको सिर्फ कस्टर्ड बनाना, और गार्निशिंग के लिए मैं बच्चों से बोलूँगी, क्योंकि फारिग हैं आजकल छुट्टियाँ हैं, तो जैसे चाहें वो इसको गार्निश करें, जैसे चाहे वो खाना चाहते हैं तो वैसा वो बनाएं। मोस्टली फैमिलीज़ में डिज़र्ट जो है वो डेली मील का हिस्सा होता है, जबकि हमारे घर ओकेजनली बनता है, बहुत कम मिकदार में बनता है, ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, बस खाने पे ही होता है कि खाना बर वक्त बन जाए, तो मीठे का इतना जो है स्वीट लवर बहुत कम है, बच्चे हैं ज़्यादातर तो बच्चों के लिए बनाते हैं हम कभी कभी। हेलो जनाब, बर्नर तो मैंने ऑफ़ कर दिया लेकिन चम्मच मैं मुस्तकिल चला रही हूँ ताकि कुछ ठंडा भी हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी थिक हो जाए। इस वक्त मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, जैसे मैंने बताया कि मुझे थिक कंसिस्टेंसी ही चाहिए ऐसी, इसलिए मैंने कस्टर्ड भी ज़्यादा डाला है। बॉल में शिफ्ट करते हैं, कस्टर्ड के मैंने 2 बॉल लिए हैं, 1 फॉर मी और 1 मैं भाई की तरफ भिजवाऊंगी, क्योंकि आजकल वो आए हुए हैं और हमारी जो हानिया शीरी हैं भाई की बेटी, उसको बहुत पसंद है कस्टर्ड, तो मैंने कहा चलें एक बॉल उनके लिए बनाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास केक रस्क है, ये देखें प्रीमियम हलाल का केक रस्क, बहुत टेस्टी है वैसे ये, और इसकी क्वांटिटी तो बड़ी अच्छी दी जाती थी किसी ज़माने में, लेकिन अभी बहुत कम क्वान्टिटी इन्होंने रखी हुई है। दिलाना वो केक नहीं, नहीं जी, दोनों में मैंने केक रस डाले हैं और ये कस्टर्ड डालूंगी, उसके बाद जब ये ठंडा होगा तो गार्निशिंग जो है बच्चों के हवाले, वो जैसे मर्जी गार्निश करें। तो आपको गार्निशिंग जो है वो दिलारा करती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं तो बच्चों से ज़रूर लिया करें, एक तो उनके लिए एक्टिविटी हो जाती है, दूसरा फारिग हो जाते हैं। अच्छा, स्काउटिंग वगैरह में भी जब हम कैंपिंग में भेजते हैं तो देखिए उन लोगों को हर किस्म का काम सिखाया जाता है, गार्डनिंग सिखाई जाती है, पेंट किस तरह करना है ग्रिल्स को फेंस को, और स्टिच कैसे करना है, अपने उधड़े हुए कपड़े आपने कैसे जो है वो
मेंट करने हैं, जूता कैसे आपने मेंट करना है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वहाँ पे सिखाई जाती है और आप वहाँ पे उनको पैसे दे के जो है बच्चों को ये चीज़ें सिखवाते हैं। तो क्यों ना आप घर में ये एक्टिविटीज़ रखें और छोटी मोटी कुकिंग करने दें। और ये जो गार्निशिंग है ये तो आप दे ही दें उनको तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खाना भी उन्होंने है। ठीक हो गया? चलें जी, अभी गार्निश होगा तो फिर दिलार आपको दिखाती है। ले जनाब, दिल्ला दिलारा सबसे प्यारा जो है हमारा बच्चा, इसने गार्निश क्या बोल रही हूँ गार्निशिंग शुरू कर दी है। और घर में जेलीज भी थी, चॉकलेट भी थी, और इसके अलावा क्या कहना चाहिए, दूसरी जो है पैकेट में चॉकलेट थी वो भी थी। लेकिन बच्चे की देखें आप समझदारी देखें, आई एम प्राउड ऑफ हर, कि उसने फ्रूट्स का इंतखाब किया और फ्रूट से उनको गार्निश कर रही है। सो नाइस। और यहाँ पे उसने लिया है बनाना, मैंगो और पीच, और बहुत अच्छी गार्निशिंग की। अच्छा, पीच का जो एक सॉर फ्लेवर है उसकी कम करने के लिए इसने यहाँ पे जो है जैम रखा है, पीच जैम ही है हमारे पास। और वो ये देखें गार्निश करने के बाद ऊपर बिल्कुल लाइट सी थिन लेयर जो है वो जैम की दे दी गई, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था, ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आया था। और दोनों बॉल उसने डिफरेंट कलर के न्यू डिफरेंट डिज़ाइन के बनाए और बहुत अच्छे लगे, सबको पसंद आए। ये देखें जी, ये जैम है हमारे पास और बिल्कुल इसने लाइट सी लेयर उसके ऊपर जैम की लगाई, और जो मैंने कम शुगर रखी थी कस्टर्ड में और उसको जो है इसने कंपनसेट कर दिया और बहुत टेस्टी फ्लेवर भी आया। थम्स अप दिलारा। तो जी, ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को पसंद करे और कबूल और मंजूर फरमाए। हम सब की तरफ से ईद मुबारक एंड।